डियर स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है। आज संडे है और लगातार मुझे कमेंट मिल रहा है बच्चों से, जैसे कि उन लोगों को मैंने बताया था कि चैनल मोनेटाइज हो चुका है। तो लगातार कई बच्चे कमेंट कर रहे हैं, सर अभी तक क्या पैसा आया, इस तरह से कमेंट कर रहे हैं। लेकिन ये इतना आसान नहीं है, मैं आगे बतलाऊँगा। तो सबसे पहले ये मैं बतला देता हूँ कि कई सारे बच्चे जो है अलग अलग सब्जेक्ट के कमेंट कर रहे हैं कि सर मुझे ये सब्जेक्ट का चाहिए, वो सब्जेक्ट का चाहिए। तो जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है उसको मैं ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ, उस पर ज़्यादा वीडियो बना रहा हूँ। इसके अलावा बस सोशल साइंस जो है लगातार कमेंट मिल रहा था, उसको मैंने स्टार्ट कर दिया। अब सोशल साइंस में इंग्लिश वर्सन तो मैं ले ही रहा हूँ, अब हिंदी वर्सन के लिए मुझे ज़्यादा कमेंट आ रहे हैं कि सर हिंदी वर्सन भी दीजिए। तो दोनों कर पाना बड़ा ही मुश्किल काम है, हिंदी वर्सन इंग्लिश वर्सन, और बुक्स भी मेरे पास नहीं है। अब जो है इसके अलावा संस्कृत का कई सारा कमेंट आ रहा है। संस्कृत अभी के समय में एक ऐसा सब्जेक्ट हो गया है कि ज़्यादातर उसको लोगों के पास उसका नॉलेज नहीं होता है और ज़्यादातर स्टूडेंट पढ़ना नहीं चाहते हैं। तो हम लोगों के पास भी इस तरह का उतना बढ़िया नॉलेज नहीं है, इतना डीप नॉलेज नहीं है कि आप वीडियो उसका बनाया जा सके, क्योंकि स्टूडेंट पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं लेते। और इंटरेस्ट नहीं लेते इसका मतलब है कि हम लोग का भी रिविज़न नहीं हो पाता, हम लोग खुद नहीं पढ़ पाते। अब साल भर में कोई 10 दिन 15 दिन अगर संस्कृत के बारे में पूछता है तो उससे हम लोग का नॉलेज कितना बढ़ने वाला है। इसी तरह से ना हम लोग का नॉलेज बढ़ पाता है और किसी तरह से उसको पढ़ा के वहाँ निकाल देते हैं। लेकिन एक वीडियो बनाना इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि वीडियो में आपको ज़्यादा से ज़्यादा सटीकता देना पड़ता है। अगर आप सटीकता नहीं देते हैं तो फिर कंप्लेन आने लगेगा कि आप जो पढ़ाए हैं वो तो गलत है। तो इसीलिए मैं वैसा कोई पढ़ाई नहीं देना चाहता, वैसा कुछ नहीं पढ़ाना चाहता कि जो डाउटफुल हो, इसीलिए मैं संस्कृत का भी नहीं दे रहा हूँ। और इससे रिलेटेड जो है काफ़ी सारा कुछ हेल्प बुक चाहिए और इसका ग्रामर जो होता है उसको समझना होगा, उसके बाद में संस्कृत का। तो अभी संस्कृत बनाने में हमको समय लगेगा, इसीलिए अभी आप लोग जहाँ से भी संभव हो, स्कूल से हो, ट्यूशन टीचर से हो, वहाँ से कंप्लीट कीजिए। अभी संस्कृत बनाना मुश्किल ही समझिए। उसके बाद जैसे कि बच्चे पूछ रहे थे कि क्या अभी तक पैसा आने लगा है, तो ऐसा नहीं होता है। एक्चुअली मैं भी नहीं जानता था, मुझे भी लगता था कि जैसे चैनल मोनेटाइज होगा एक महीना दो महीना कितना प्रोसेस लेगा, एक महीना दो महीना प्रोसेस लेगा, उसके बाद तो पैसा आना चाहिए। लेकिन यहाँ पे YouTube का जो गेम है वो बहुत ही डिफरेंट है। जैसे जैसे आप इसके अंदर जाते हैं वैसे वैसे उसका जो रूल्स है वो धीरे धीरे समझ में आता है कि कैसे काम करता है ये। तो अब काफ़ी डिफिकल्ट अब ये लग रहा है कि इसमें एक टारगेट देता है आपको कि जब तक आपको $100 आप क्रॉस नहीं करते हैं आपको पैसा नहीं पे किया जाता है। तो इसका मतलब है कि और जब आपका चैनल न्यू होता है, जब आपका चैनल न्यू होगा तो फिर आपको ज़्यादा जो है उसमें पैसा बनेगा नहीं, तो ज़्यादा पैसा बनेगा नहीं आपको 0.4, 0.3, 0.5 इस तरह से बनेगा। तो आप समझ लीजिए कि अगर $1 एक दिन में बनता है तो कितना पैसा बनेगा। तो $1 एक दिन में बनता है, $100 की बात है जहाँ, तो 100 दिन, और 100 दिन का मतलब 3 महीना, 90 डेज होता है, 3 महीना मान के चलिए। और अगर $0.50 बनता है तो 200 दिन, मतलब 6 महीना, इतना समय लग सकता है, उतना समय नहीं लगता है। अगर लगातार काम करते रहा जाए तो 4 महीना 5 महीना इतना समय ले सकता है। इसके बाद अगर काम करने के लिए कोई छोड़ देता है तो फिर उसका तो बनेगा ही नहीं। तो जितने भी यूट्यूबर हैं जो यूट्यूब बनाना शुरू करते हैं उसको पहले समझ में नहीं आता है, वो यही जानते हैं कि जैसे ही चैनल मोनेटाइज होगा और पैसा आना शुरू हो जाएगा, लेकिन धीरे धीरे उसको समझ में आता है। तो अब पता चल रहा है कि अभी और समय लगेगा। तो यूट्यूब आपसे इतना मेहनत करवा लेता है कि कुछ पैसा उसका भी बचता है और कुछ पैसा आपको देता है। इस तरह से ये स्टेप बाय स्टेप ये गेम बना के रखा हुआ है। तो बनाने से पहले, यूट्यूब में आने से पहले आप लोगों को इसका गेम समझ लेना चाहिए। तो अभी मैं इसके बारे में बात नहीं करूँगा, इसके बारे में मैं स्पेशल कोई वीडियो में बतला दूंगा आप लोगों को क्या क्या स्टेप लेना होगा और कैसे आप आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन मैं इतना आप लोगों को बतला दूं कि अब मैं यहां से रिटर्न नहीं हो सकता, मुझे आगे बढ़ना ही होगा तभी मुझे इसमें बेनिफिट हो सकता है, अदरवाइज इसको छोड़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। और मैं किसी भी स्थिति में छोड़ने के लिए तैयार भी नहीं हूँ, क्योंकि इसको अगर मैं नहीं करता हूँ तो मेरे पास और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। इससे काफ़ी संभावनाएँ हैं, लेकिन अगर इसको छोड़ देता हूँ तो कुछ भी नहीं, संभावना कुछ भी नहीं है। लोग जैसे मजदूरी करते हैं, रोज कमाया रोज खाया, उस तरह का हाल हो जाएगा। तो मैं नहीं चाहता कि वैसा हो, इसीलिए मैंने बार बार स्टूडेंट लोगों से बोला है कि, क्योंकि स्टूडेंट्स बहुत ऐसा स्टूडेंट है जो मुझे अभी भी बोलते हैं कि सर मैं भी
यूट्यूब चैनल चला रहा हूँ, आप मेरे चैनल को भी प्रमोट कर दीजिए, मुझे भी हेल्प कर दीजिए। तो इस तरह के बहुत सारे स्टूडेंट आएंगे और जाएंगे, चले जाएंगे, इतना मुश्किल है तो आसान नहीं है यहाँ पे। इसीलिए मैंने बार बार उन लोगों को कहा है कि पहले नॉलेज गेन कीजिए, उसके बाद पता चलेगा कि क्या करना है। कहीं भी आसान नहीं होता कि आप गए और तुरंत जो आप अर्न करने लगे, तो सावधान रहना है। उम्मीद करता हूँ कि हमारा ये वीडियो आप लोगों को सचेत करेगा और जो कन्फर्म होंगे काम करने के लिए वही यहाँ काम कर सकते हैं, जो समय लगा सकते हैं, जो पैसेंस रख सकते हैं वही यहाँ पे काम कर सकते हैं और यहाँ एक सक्सेसफुल यूट्यूबर बन सकते हैं। तो क्या क्या इसमें गेम आएगा इसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूँगा। उम्मीद करता हूँ कि हमारा ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा और नेक्स्ट संडे को मैं फिर से इसी तरह का एक वीडियो में मिलूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय।